मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार अब फरीदाबाद से जुड़ गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ फरीदाबाद स्थित सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2011 में वो अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेमनगर की झुग्गियों में रहता था। उसी के पड़ोस में कुछ मुस्लिम युवक रहा करते थे जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे और हिंदू धर्म की वो बुराइयां करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा विनोद को बीच बीच में कुछ पैसे और अन्य जरूरी सामान भी दिए जाते थे, जिसके चलते वो धीरे धीरे उनके चंगुल में फंसता चला गया। पीड़ित विनोद की माने तो उसे दिल्ली स्थित शाहीन बाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलवाया गया था, जहां उसने विनोद को गले लगाते हुए उसका धर्मांतरण करवा दिया और उसका नाम नूर मोहम्मद रखा, जिसके बाद उसे गुजरात और यूपी में इस्लामी तालीम के लिए भी भेजा गया, जहां उसे हिंदू धर्म की बुराइयां और इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताई जाती थी। चार चार महीने के लिए 2 बार भेजा इन लोगों ने। कहां पे? एक बार तो गुजरात झालोद में गया था मैं, वहां पे 4 महीने लगा। ये कब की बात है? ये सर 2014 की बात है, 14-15 की। उसके बाद? उसके बाद इन लोगों ने मेरे को भेजा 16-17 में। कहां? ये भेजा मेरे को रामपुर टांडा बादली वही आसपास की जगह में, यूपी में। अच्छा, वहाँ क्या पढ़ाया था? वहीं पे भी यही तालीम देते थे जो गुजरात में दी वही यहाँ दी जी। फिर अलग अलग क्यों भेजा था आपको? ऐसी भेजा था सर यही तालीम देने के लिए और उल्टी सीधी चीज सिखाते थे मेरे को। पीड़ित विनोद का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का एक साथी दिलशाद उसे पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए भेजने को भी कहा करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा डरा रहता था। 2018 में उनके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने फरीदाबाद में ही 2 साल गुमनामी के बिताए। 2020 में जब उसकी बहन की शादी का उसे पता चला तो वो अपने परिवार से मिला और आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिवार के साथ जाकर उसने फरीदाबाद स्थित सेक्टर 17 थाने में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।